मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम साहिल मलिक और एक और फ्रेश व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, सुबह सुबह 9 बजे हम जा रहे हैं अपने डॉग को लेके, जैकी को। और जैकी को क्यों लेके आ रहे हैं? जैकी पीछे जैकी को क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि भाई यशविक के स्कूल में आज पेट डे, तो हमारे दो डॉग्स हैं, एक तो है जर्मन शेफर्ड और एक है बीगल। जर्मन शेफर्ड का नाम है जैकी और बीगल का नाम है बर्फी। तो बर्फी थोड़ा यार एजेड है, जैसे 10-10.5 साल का, तो उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब है, तो उसे तो नहीं लेके जा रहे। बट वैसे लेके उसे जाना चाहिए था पेट डे के लिए, क्योंकि बहुत क्यूट लगता बच्चा को। तो ये बड़े से प्राणी को लेके जा रहे हैं और आज इसका पेट डे है। यार सीट बेल्ट लगा ले यार, सारी वो खराब हो गई पीछे से। तो यशु के स्कूल में आज पेट डे है, तो हम लेके जा रहे हैं जैकी को। तो ऐसे मतलब जिन जिन बच्चों के पास डॉग्स हैं, तो उन सबको बोले कि अपने उनके पेरेंट्स को भी एक एक डॉग लेके आओ। तो अमीशा भी साथ में आ गई है, अमीशा और मैं दोनों जा रहे हैं। देखते हैं आज इसका पेट डे कैसे मनाते हैं। भाई कोशिश में कर रहा हूँ रोज़ वीडियो बनाने की। जो भी है देख लो, कंटेंट लाइक करे उसे और सब्सक्राइब करो। टाइम बदला हुआ देख लो, फ्री है। तुम्हें उस दिन भी बताया था, अब तुम पता नहीं क्या लगता है कि पैसे ले रहा हूँ। पैसे नहीं है भाई, फ्री है, दबाओ बटन बस इंजॉय करो। तो यार यशु का एक्सप्रेशन भी देखना पड़ेगा कि जैकी को देख के क्या मतलब रिएक्ट करता है कि भाई उसका डॉगी स्कूल में है। मुझे तो लग रहा है डैल मारेगा सब बच्चों के, देखो माय डॉगी ऐसे करके सबको दिखाने वाला है वो। बाकी देखते जैकी क्या रिएक्ट करता है इतने सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को देख के। तो हम यशु के स्कूल में आ चुके और ऐसा कुछ सीन है, कोई पग लेके आया हुआ है, कोई पैरट लेके आया है, कोई हस्की लेके आया है। यहाँ पर भी कोई पैरट या पता नहीं कुछ और है लेके आया, और ये अपना जैकी सबसे बड़ा डूश। और यशु कहीं यहीं आ गया है इन बच्चों में, बट अभी दिख नहीं रहा। ट्राई करता हूँ ढूंढने का, फिर दिखाता हूँ। तो भाई मिल गया है यशु हमें। ये रहा यशु, ये घूम रहा पैंट में ना, अकेला यही बच्चा है जो पैंट के अंदर है। उस तरफ मुंह करके बढ़ यशु, यशु अब देखा इसने। ये तो गाइस यशु आ चुका है, और एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, सब अपने पेट्स को लेके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वो क्या खाते पीते हैं और क्या है। इसे देख लो, हमें कोल्ड ड्रिंक मिली थी आ गया लपेट में। अच्छा यशिक, ब्लॉग को हेलो तो बोल दो, हेलो तो बोल दो, हेलो। तो भाई यशिक जैकी जी ने सारे बच्चे डर रहे थे, देखो मिलने भी आ रहे हैं। आ जाओ, नो, ये अपना ही बच्चा है, एकदम उल्टी हरकतें हैं इसकी। नो नो नो। तो सब कोई पेरेंट्स फिश भी लेके आए हुए हैं, अपना तो भाई यही है। अगर बर्फी को लेके आता ना, वो तो सब पे चढ़ जाता है। जैकी कम यार, यशविक को देख लो उल्टी हरकतें। यशु ने अपने घर के बाहर से फूड उठा के अपनी मम्मी को देता है। कैसे देता दिखा, अरे ऐसे नहीं जैसे आप देते, जैसे देते। चलो आ गए हम घर जैकी को लेके। चलो जी जैकी और यशु भी आ गए हाफ डे में। तो भाई अभी घर से निकले हैं, यशु के स्कूल से तो आ गए थे, बट उसके बाद यार टेरेस पे भी बस फाइनल के काम चल रहे हैं, तो वो कराने में बिजी था। और अभी निकला हूँ गाड़ी लेके, क्यों? क्योंकि भाई अभी नए टायर लगे और पंक्चर भी हो गया, मतलब ऐसे लग रहा है पंक्चर हो गया या वॉल लीक है, चेक कराना पड़ेगा जाके। भाई बताओ, नया टायर मुश्किल से 400 किलोमीटर चला है और पंक्चर। तो भाई गाड़ी का पंक्चर तो दिखा लिया, पंक्चर तो था नहीं, पता नहीं कम कैसे होगी, बाकी तो सब में फुल है। इस वाले टायर में सिर्फ कम हुई है, वो कह रहे कभी कभी हो जाती कम, बट अब फुल हो गया, टाइट है, बहुत कटवाया है, ऑल्ट्रेशन तो ये बम्पर की और नहीं करानी, अब लिफ्ट ही करा लेंगे भैया, उठवा लेंगे यार, उठवाने की मेरे को लग रहा है जरूरत है। तो भाई अभी हम निकले थे ना, टायर वायर दिखानी है, देख लो ये देखो भाई, ये यहीं घूमता रहता है, अभी दिख गया, मैंने बोला चला जा। अब भाई गया तो 2-3 गेड़ियां मार लेते, कॉफी वॉफी मार के आते हैं, मतलब मार के इन द सेंस पी के आते हैं। टिशू भाई उसमें होगा अंदर डैशबोर्ड में, देखो। तो भाई कॉफी आ गई है अपनी, और इस कॉफी की ना बहुत आदत लग गई है, बहुत टेस्टी होती है।
इसने आती मेरी गाड़ी भी गंदी कर दी। देखो गाड़ी क्या, मेरे कपड़े गंदे हुए हैं। अबे यार, तो डे टू है आज और कल यार वीडियो कंटिन्यू कर पाएगा क्योंकि रात को मुझे ही बुखार चढ़ गए थे 101 के करीब। अभी कल हवा डलवाई है, फिर से आ गए हैं। खोलो जी, खोलो, ऐसे नहीं खोलेगा, एलर्जी चाहिए होगी इसके लिए दे रहा हूँ। तो भाई टायर तो खुल चुका है, पर एक चीज़ देख लो यार, अभी जैसे उठी हुई ना, इतनी सही लग रही है ना उठ के, ऐसा लग रहा है मतलब यहाँ से देखो उठी उठी अच्छी लग रही है। सोच रहा हूँ कि यार गट्टे लगवा ही लूँ, इसके अंदर तो थोड़ी ऊँची हो जाएगी, बाकी टायर में देखते क्या दिक्कत है एक बार। तो भाई मिल चुका है, ये कहाँ पर है, ये देखो ये कील लगा हुआ इधर, ये कील है जो स्लो पंचर की तरह काम कर रहा था। और बाकी इस टायर की ना ये बहुत दिक्कत है, देखो बीच बीच में पत्थर अटक जाते हैं। नहीं मोटी गुड्डी वाली में तो ज़्यादा, मोटी गुड्डी में ज़्यादा अटकते हैं, वही देखो। तो भाई पंचर तो लग चुका है और कील पता कितना, इतना लंबा कील था जो अंदर था, पंचर एक ही था बट तभी भाई दो दिन से हवा निकले जा रही थी, तो फर्स्ट पंचर तो हो गई आज। और देखो अब टायर लग रहा तो उठी हुई देखो कितनी सही लग रही है। सोच रहा हूँ लिफ्ट करा लूँ अभी, भैया से बात करते हैं। तो भाई जहाँ खड़ा हो जाना वहाँ तीन चार लोग तो आ जाते हैं गाड़ी देखने के लिए। अभी एक भैया आ गए हैं और वो पूरी गाड़ी का मुआयना कर रहे हैं, बाकी ऊँची करवाएंगे ना तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। देखो इतना इतना गैप है ना, इतना इतना हो जाएगा कम से कम, फिर सही लगेगी। बाकी भैया देखने आए गाड़ी को। तो भाई अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर कॉलेज के बाहर, और यहाँ ना बच्चे मतलब बच्चे जो होते हैं ना 22 23 24 25 साल वाले बहुत दिखते, तो यहाँ पर मिलते हैं बेस्ट रिएक्शन हमें, जैसे कि आप देख सकते हो हर कोई भाई अपनी गाड़ी को ही देखता है यहाँ पर ना। ये देख लो, देख रहे हो। अब देखो थार में ही होता था बट थार इतनी भर चुकी है ना रोड पे, तो ये रिएक्शन अब थार को नहीं मिलते जो इसको मिल रहे हैं। ये देखो बंदे ने देखा और अटक गया, और दिखा दूंगा ऐसे रिएक्शन। और भाई सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि यार 2 साल से मैं वीडियोस बना रहा था बट मैं बहुत इरेगुलर था, काम पे ज़्यादा ध्यान देता था मतलब बाकी चीज़ों पे, और यूट्यूब पे नहीं देता था। बट अब जब से कार आई है मैंने वीडियोस भी डालनी बैक टू बैक चालू करी, मतलब हफ्ते में 3-4 वीडियोस आई जाती है, और शॉर्ट्स तो हर अल्टरनेट डेज पे नहीं तो रेगुलरली डाल ही रहे हैं। तो भाई अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू सारे भाई बहनों को जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा है। और प्लीज़ बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को ना मोटिवेशन मिलती है यार, मन करता है कि और ऐसी वीडियोस बनाएं, और भाई मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखो, सबको थैंक्स लॉट, दिल से थैंक यू। और भाई इसकी येलो लाइट भी जल चुकी है, वो भी भाई देख लो कितने किलोमीटर पे। अभी पीछे 2 ब्लॉक पहले हमने इसकी टंकी फुल कराई थी, 207 किलोमीटर गाड़ी चली है और टंकी ख़त्म, और इसका टैंक फुल हुआ था लगभग 3,500 रुपये का। तो अब लगा लो अपने अभी क्या एवरेज दे रही है, बाकी अगर इसके हिसाब से देखें तो यहाँ एवरेज देख लो 6.3 की एवरेज भाई आती है।